अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीरन और वेलकम टू पावल फिल्म प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त आइडिया शेयर करना चाहता हूं। अगर आप वीलॉगर हो, यूट्यूबर हो या फिल्म मेकर हो, आपके पास एक इशू होता है या इशू हमेशा आप फेस करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वीडियो शूट करते हो लेकिन उसके बाद आप कलर ग्रेडिंग, आपके साथ जो लुट्स है या कलर ग्रेडिंग की जो चीज़ें हैं वो आपके पास अवेलेबल नहीं है या कलर ग्रेडिंग की नॉलेज नहीं है आपको। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो आप लोगों के लिए है कि आप अपने कैमरे के कुछ ऐसे सेटिंग्स में जाकर कलर ग्रेडिंग आप ऑन द सेट हासिल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो कि आप जो शूट कर रहे हो वो उसी टाइम कलर ग्रेड हो कैमरे के अंदर, हमें एडिटिंग में ज़रूरत ना पड़े उसके लिए। तो बेसिकली एक ही जो सैचुरेटेड चीज़ें हैं वह उस हवाले से आपको एक वीडियो आज शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, कुछ टिप्स, कुछ बेसिक आपके DSLR कैमरे के अंदर। तो उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मैसर हो। दोस्तों, सेटिंग करने से पहले सबसे पहले आप अपने जो कैमरे का जो मोड है वो वीडियो मोड पे करें। अगर आप वीडियो मोड पे करेंगे उसके बाद हम सेटिंग्स पे जाएंगे। कैमरा स्टार्ट करें। कैमरा अगर आप कैनन कंपनी का कोई कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्यू बटन का। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर क्यू बटन का ऑप्शन है। इस क्यू बटन के ऑप्शन पे आपको स्क्रीन के सारे मेन्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। आप क्यू प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर मुख्तलिफ मेन्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपने क्या करना है, आपने जाना है स्टैंडर्ड, जो यहाँ पर पिक्चर प्रोफाइल है आपको नज़र आ रहा है, इस प्रोफाइल पर हम जाएंगे, पिक्चर प्रोफाइल पर जाएंगे और हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड और पोर्ट्रेट मुख्तलिफ पिक्चर प्रोफाइल्स है। ये न्यूचुरल है, नेचुरल या आई नो नो स्क्रीन का इस सेटिंग है कि ये फ्लैट इमेज शूट करेगा। आप कलर ग्रेड करेंगे उसमें एडिटिंग के दौरान। अगर आप वापस जाता हूँ और ये डिफरेंट प्रीसेट्स है, लेकिन इनसे आगे तीन प्रीसेट्स है, ये आपके अपने मतलब यूज़र डिफाइंड के लिए, यूज़र डिफ़ॉल्ट या यूज़र डिफाइंड आई नो क्या है इनका, कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप इनको। इसमें मैंने सीनी स्टाइल इंस्टॉल किया है तीसरे में, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से ये सेटिंग कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें और नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद देखिए, सबसे पहले आपके पास शार्पनेस है, शार्पनेस आपका ज़्यादा है, इस वजह से आपकी वीडियो जो ना जो क्वालिटी होती है वो ठीक नहीं आती। आप इस शार्पनेस को बिल्कुल ज़ीरो करें। फिर आप आए नीचे कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट और उसके बाद सेचुरेशन और कलर टूल। हमारे पास ये है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट हम एक माइनस करेंगे। अब देख रहे हो कि ये मैंने माइनस कर दिया एक, और ये 0, ये -1 और इसको फिर हम +1 +1 कर देंगे, तो ये हमारी जो वीडियो होगी वो कलर ग्रेडिंग के हिसाब से होगी। इसी हिसाब से हम इस पे जाएंगे प्लस और कलर टूल पे भी जाएंगे, प्लस करेंगे। अब देख रहे हैं कि सामने से जो स्क्रीन पे सेटिंग्स है, जो कलर्स है वो भी थोड़ी सी चेंज हो गए। तो बस आपने बिल्कुल ये सेटिंग्स करनी है, इसके बाद आपको कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप जब आउटडोर शूट करोगे, इंडोर शूट करोगे आपकी वीडियो जो ना वो ऑलरेडी कलर ग्रेडेड मिलेगी आपकी उसके कैमरे के अंदर ही, फिर आपको वीडियो एडिटिंग के दौरान कलर ग्रेड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मज़ीद टून चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से मज़ीद भी कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हैं, कलर टून आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो कलर टून आपको चाहिए, लेकिन बेहतर है कि आप इसको +1 पे छोड़ दें। ये -0 और ये -1 और ये +1 +1, ये 4 ऑप्शंस है। ये सेटिंग्स आप करके आप अच्छी क्वालिटी की वीडियोस हासिल कर सकते हो कलर ग्रेडेड, जो आपको फिर एडिटिंग में मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कलर ग्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आई होप के आपको समझ आ गया कि आप किस तरह से अपने कैमरे की सेटिंग्स को चेंज करके कैमरे के अंदर कलर ग्रेडिंग फुटेज हासिल कर सकते हो। लेकिन ये होगा कि इसमें आप कुछ ही कलर्स हासिल कर सकते हो। अगर आप आई लेवल और प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हो तो फिर आपको फ्लैट शूट करना होगा और फ्लैट इमेज शूट करना होगा, जिसके लिए आपके पास एक मिररलेस कैमरा होना चाहिए और फिर कलर ग्रेडिंग और लुट्स वगैरह आप जो यूज़ करना चाहते हो। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।